Hey guys, what's up? How's it doing? I hope you guys are doing well. तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो व्लॉग मैंने बनाया है इसका रीज़न ये है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ एक हादसा हुआ है और मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ उस बारे में, क्योंकि इस बारे में अक्सर बात की नहीं जाती कि भाई जब आपके फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस हैं, जस्ट बिकॉज आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो मैं आपसे इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। बात दरअसल 15 जनवरी की है और 15 जनवरी को मेरा जब यहाँ इंडिया के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट था कोलकाता से, तो बैंकॉक से कोलकाता जब मैं आया तो अनफॉर्चुनेटली मैंने बाय मिस्टेक अपना जो वॉलेट था वो मैंने अपने बैकपैक में रख दिया और वो मैंने ड्रॉप इन कर दिया लगेज में। अब ये मेरी बुरी किस्मत मान लो, तो मुझे याद नहीं रहा वहाँ से वो वापस निकालना। तो एनी हाउ, बट जब फ्लाइट में मुझे याद आया, जब मैं आधे रास्ते हवा में ही था ऑलमोस्ट, तो मुझे याद आया कि भाई बेसिकली मैं तो अपना पर्स भूल चुका हूँ, बट नोइंग द फैक्ट कि भाई इंडिगो जो है इतना बड़ा नाम है इंडिगो एयरवेज, और कहाँ मुझे पूरा भरोसा था कि कुछ नहीं होगा, फिर भी मेरा पर्स जो है ठीक, उसके अंदर कुछ 25,000 रुपये थे और मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। यूं ही मैं कोलकाता पहुंचा, अब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी थोड़ी देर में, और मैं जब पहुंचा तो अपना बैग मैं लेने गया बड़े लाधड़ मज़े में कि भाई कुछ नहीं होएगा। तो यूं ही मैं अपना बैग चेक करता हूं तो देखता हूं बीच में से वॉलेट गायब, बेसिकली वॉलेट में से पैसे गायब, और पैसे जब मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे वॉलेट के बीच में, जिसने भी वो पैसे निकाले बेसिकली उनके ग्राउंड वर्कर्स ने ही निकाले होंगे इंडिगो के, तो उन्होंने 100 रुपया बीच में छोड़ दिया था। तो मैं इतना परेशान कि मैं जब इंडिगो स्टाफ को जब रीच आउट किया कोलकाता में, तो वो बड़े लेट बैक एक एटीट्यूड था उनका, ठीक है सर ऐसे सर वैसे सर, बट उन्हें जब मैंने बताया मेरी सिचुएशन के, मैं बोला यू कैन टेक माई, आप मेरी वॉच ले लो, आप मेरा सामान ले लो भाई, मुझे खाली पैसे दे दो किराया कम से कम दिल्ली से, क्योंकि मैं बाय बस ट्रैवल करना चाहता था और मैं कुछ व्लॉगिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ कुछ बनाना चाहता था। बट एनी हाउ वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे और मेरे पास तो किराया भी नहीं था वापस आने का। तो मैंने क्या किया, उनसे बोला कि आप ये वॉच वगैरह ये सब ले लो और मुझे कुछ 400-500 रुपये दे दो, एटलीस्ट मैं वापस घर तो पहुँच पाऊँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर हमारी ये पॉलिसी नहीं है, ये ठीक नहीं है, और वो अपनी जगह सही भी थे कि इस तरीके से तो नहीं हो सकता, बट मैं घबराया, वो मुझे तो और कोई ऑप्शन दिखा नहीं। तो फिर करते करते उन्होंने मेरे को बोला आप FIR कराइए, यहाँ कराइए वहाँ कराइए, दिल्ली में करा लीजिएगा, आपकी फ़्लाइट है ये भी मिस नहीं हो जाए। मैं समझ गया कि भाई वो सब मुझे भगाना चाहते हैं अब, क्योंकि मेरी फ़्लाइट एक्चुअली में थी और मैंने चेक इन भी नहीं किया था, और मैंने वैसे ही अपना लगेज जो था वो उठाया और मैं लिटरली रोता रोता मैं मन में रो रहा था और मैं चले गया फ़्लाइट पे, अपना फ़्लाइट पकड़ा और मैं दिल्ली पहुंचा। और जब मैं दिल्ली पहुंचा उसके बाद मैंने कुछ फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया और वहां से मैंने पैसे थोड़े बहुत बाय कांटेक्टिंग समबडी मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करके वो मैं ले लिए पैसे उनसे, चलो किराया का मेरा हिसाब किताब हो गया बड़ी मुश्किल से, कि भाई किसी को फ़ोन करके कभी किसी को बोला कि आप फ़ोन दो, किसी को बोला कि मेरी सिम जो है वो मेरी सिम चल नहीं रही थी दिल्ली में। तो उसके बाद फिर मैं घर जब पहुंचा मैंने बहुत गुस्से में था और मैंने इंडिगो वालों को इनके कस्टमर केयर पे मैंने इन्हें मेल भेजी। जब मैंने मेल भेजी तो उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके जो लोग हैं जो वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया 3-4 दिन बाद, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पूरा इंसिडेंट बताया था तो कि भाई किस तरीके से मेरे पैसे निकल गए, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जब भी ट्रैवल कोई साथ में कर रहा है तो वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा लेट बैक सा आंसर दे दिया कि भाई बोला कि भाई देखिए हमारे ऐसा है वैसा है, आप फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ी ही देर में इस पर एक्शन लेंगे और आपको 2-3 दिन में इसका रिप्लाई आएगा। तो चंद दिनों बाद मुझे रिप्लाई आया, बिल्कुल आया, इंडिगो का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात में। तो रिप्लाई जब आया उन्होंने रिप्लाई में एक स्टैंडर्ड सा रिप्लाई दिया, बोला कि भाई एक क्लॉज की अटैचमेंट कॉपी भी साथ में भेज दी PDF फाइल, कि भाई ये क्लॉज पढ़ लीजिएगा, हमने तो अपनी पूरी वो कर ली है जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो ये क्लॉज की फ़ाइल भी साथ में हमने लगा दी कि भाई आप ये क्लॉज देख लीजिए, ये आपकी ही गलती है सारी, अब हम इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और
आपके साथ जो हुआ बड़ा दुखद है और इन फ्यूचर आप थोड़ा ख्याल रखें। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि भैया आपका बैग का जितना वेट था उतना ही वेट था, लगेज का वेट जो है बदला नहीं था। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब बेसिकली इन लोगों के साथ लड़ा जा नहीं सकता, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो एनी हाउ वो जो अटैचमेंट है जो इन्होंने मेरे को भेजा, वो क्लॉज वगैरह मुझे मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, और मैं जानता था उनका कि भाई वो इंटरेस्टेड तो थे नहीं मुझे पैसे रिफंड करने में या किसी तरीके इन्वेस्टिगेशन करने में। तो बट मैं खाली आप लोगों को इस बात में इस बारे में बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग जब ट्रैवल करो इंडिगो के साथ तो बेसिकली थोड़ा अलर्ट रहो, क्योंकि ये लोग जो है किसी तरीके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपने बैगेज लगेज के बारे में। आप अपने रिस्क पे जाते हैं इनके साथ, और इनके साथ ये जो इस तरीके हादसा है बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि जिस तरीके इनकी अप्रोच थी वो बता रही थी कि ये बड़ी आम सी बात है, चोरियाँ वोरियाँ इंडिगो में हो जाती हैं, और अगर कोई रिप्लाई मांगे तो वो ये एक स्लैप कर देते हैं वो एक अपना क्लॉज कि भाई देखो आपने तो भाई अपने रिस्क पे किया। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि भाई इन केस हम किसी की गाड़ी में भी बैठते हैं या मैं अपनी कार में किसी को लिफ्ट भी देता हूँ और उसके पर्स में कुछ पैसे अगर निकल जाते हैं, तो एटलीस्ट मेरा एक एक एज ए ह्यूमन मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना तो बनता है कि मैं कम से कम अपनी गाड़ी को चेक करूं कहीं गिरा है कहां गिरा है, या सिर्फ मैं उसको एक क्लॉज बता दूं कि भाई ये तो मेरा क्लॉज है भाई, आप अपने आप चढ़े हैं अपनी गलती पे, ये तो आपकी आपने गलती की है, आप हम ऐसा क्यों चढ़े। ये कहने का मतलब तो इनका लिटरली ये है कि भाई अब मेरी गाड़ी में अगर पैसे खो गए तो उस इंसान के कहाँ जा सकते हैं। आपके आप कहते हैं कि भैया आपकी सिक्योरिटी है आपकी सब कुछ है, इन केस ये तो मेरा चोरी 25,000 रुपया था जो मेरा चोरी हुआ बीच में से, इन केस कुछ लोग जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें उनके लगेज के बीच में होती हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है कल को अगर वो सब चीज़ें उसके बीच में से निकल जाएँ? क्या वो इंडिगो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने पैसेंजर्स की किसी भी हालत में? और अगर वो नहीं लेता तो किस बेसिस के ऊपर इतना बड़ा वो फ्लाइंग इंडस्ट्री खोल के बैठा हुआ है, वो इतना एविएशन का ये जहाज़ डाल के बैठे हुए हैं, जब आप लोगों की सिक्योरिटी ही नहीं कर सकते हैं? आपको कल को बीच में किसी के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बीच में किसी का कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या कोई किसी तरीके फाइनेंशियल एसेट या कुछ भी रेयर चीज़, आप कई चीज़ें लेके बंदा ट्रैवल करता है बीच में से निकल जाए, और आप ये स्टैंडर्ड रिप्लाई कैसे दे सकते हैं कि भाई हमने तो आपको क्लॉज दिखाया, क्लॉज दिखा के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पाला कैसे छुड़ा सकते हैं? सिर्फ मैं अपना ये एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड कि एक इंसान का 25,000, एक आम मिडिल क्लास आदमी का जो 9 to 5 जॉब करके बड़ी मुश्किल से कमाता है, 25,000 रुपया अगर वो निकल जाए वो कितना टफ रहता है उस इंसान के लिए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा आप लोगों की भाई इन केस आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिगो को अवॉइड करें, क्योंकि वो किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं आपकी तो, और आपके सामान की चांसेस ये रहते ही हैं, क्योंकि जिस तरीके उनका एटीट्यूड है कि भाई वो सामान गुम हो भी सकता है, और वो तो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेफ गार्ड करेंगे, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेके राजी। अच्छा अब इन फ्यूचर जो है मेरे ये पर्सनल जो राय है कि भाई अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप और कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबल फ्लाइट आप और किसी का उसमें से देख सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं, तो इनको अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इनके पास क्लॉजेस बहुत सारे हैं और ये क्लॉज के अलावा ये किसी तरीके इन्वेस्टिगेशन में बिलीव नहीं करते। तो आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, एंड मेरा तो भाई सिंपल मानना है कि अगर इंडिगो वालों को एक क्लॉज जो इनके पास रखा हुआ है इन्होंने अपने पास बना के, अगर वो क्लॉज इनको ये राइट दे देता है कि भाई वो हमारा सामान वो बीच में इन्वेस्टिगेट करके बीच में से निकाल भी सकते हैं, या बीच में सामान जो है जो हमारा इम्पोर्टेंट वो चोरी कर सकते हैं, वो क्लॉज इनको ये अथॉरिटी देता है वो पावर देता है, तो इससे बेटर है कि हम लोग इसको इंडिगो फ्लाइट्स को बिल्कुल अवॉइड करें, और इस तरीके की फ़्लाइट जो है जो इररिस्पॉन्सिबल इतना एटीट्यूड दिखाते हैं इनको तो इनमें फ़्लाई करना ही नहीं चाहिए। और अगर आप लोग फिर भी करना चाहते हैं तो आप इससे बेटर है आप अपना जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है वो अपने साथ ही रखें, और बिल्कुल इन लोगों से थोड़ा बचा के ही रखें। और जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं इंटेलिजेंट हैं मैं उनको ये राय दूंगा कि भी इन लोगों को अवॉइड कर दें जी, कि ये किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अच्छा मेरा जहाँ तक बात रही, मैं तो इन फ्यूचर इंडिगो के साथ बिल्कुल फ्लाई नहीं करूँगा, और मैं किसी को
रेकमेंड भी नहीं करूँगा मैं किसी फ्रेंड को जो भी जा रहे होंगे, मैं उन्हें पहले अलर्ट कर दूँगा कि भाई इस पर तो बिल्कुल फ्लाई मत करो, ये लोग बहुत हाईली इरिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इनका एक इमेच्योर सा बिहेवियर है आप एक अपने क्लाइंट्स के लिए। तो बस इतना ही था यार, अब मैं इनसे ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा मुझे रिफ़ंड करेंगे क्योंकि इनका एटीट्यूड तो मैंने देख लिया है, रिफ़ंड तो मारो गोली, ये तो इन्वेस्टिगेट करके राज़ी नहीं है। तो एनी हाउ ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कुछ अच्छे नोट के ऊपर हम डिस्कशन करें। ये तो कुछ ठीक नहीं लगता इस बारे में डिस्कशन करना क्योंकि इस तरीके की पिटी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी या व्लॉग्स बनाने ये मेरा कभी भी मोटिव नहीं था। क्योंकि आप सब जब लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे हैं कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ अपने लाइफस्टाइल के ऊपर और मैं कुछ चीज़ें जो प्रोग्रेसिव हैं थोड़ी इन्फॉर्मेटिव तो उसके ऊपर, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे भाई इस तरीके व्लॉग नहीं बने। बट ये ज़रूरी था आप लोगों के साथ डिस्कस करना क्योंकि मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँ, थोड़ा बहुत नहीं जितना हो सके उतना करूँ। तो दिस वॉज जस्ट पार्ट ऑफ इट। सो जिसको भी ये मेरा व्लॉग पसंद आया है या मेरे पिछले व्लॉग पसंद आए हैं प्लीज़ 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 हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आपको मेरे चैनल का नाम तो पता ही होगा नैन एंड देव व्लॉग। सो प्लीज़ स्टे चिल स्टे गुड।